आज हम जिस आधुनिक सिविलाइजेशन की बात करते हैं, असल में उसकी नींव तो सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान ही पड़ गई थी। ये इतनी उत्तम और विकसित सभ्यता थी जहां सब कुछ वेल सेटल्ड था, लेकिन अचानक क्या हुआ कि भरी पूरी सिंधु सभ्यता रेत की तरफ बिखरती चली गई और ज़मीन के नीचे हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गई। आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता यानी सिंधु घाटी सिविलाइजेशन के खत्म होने की मुख्य वजह क्या रही होगी। इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता है और इसकी खोज 1921 में हुई थी। इस सभ्यता की खोज का श्रेय भारतीय आर्कियोलॉजिस्ट दयाराम साहनी को जाता है। उन्होंने ही पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल की देखरेख में 1921 और 22 में उत्खनन कार्य शुरू किया था। पहली बार इस सभ्यता की पहचान 1921 में पंजाब क्षेत्र के हड़प्पा में और फिर 1922 में सिंध क्षेत्र में सिंधु नदी के पास मोहनजोदाड़ो में हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता को इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। बताते हैं कि इसका विकास सिंधु और घग्गर के किनारे हुआ था। इसे दुनिया की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक माना जाता है। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा और राखीगढ़ी इसके प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। कितनी पुरानी है सिंधु घाटी सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता अब तक ज्ञात सभी सभ्यताओं में सबसे प्राचीन है, लेकिन कुछ लोग ऐसा मानने से इनकार करते हैं। इस सभ्यता के काल को लेकर हमेशा से मतभेद रहे हैं। कुछ इतिहासकारों के अनुसार इसका कालक्रम लगभग 2700 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक माना जाता है, जबकि पहले हुई रिसर्च के आधार पर ये माना जाता था कि 2600 ईसा पूर्व यानी कि आज से 4617 वर्ष पूर्व हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो नगर सभ्यता की स्थापना हुई थी। लेकिन हाल ही में हुई ताज़ा रिसर्च ने सभी को चौंका दिया है। दरअसल IIT खड़गपुर और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर दावा किया है कि यह सभ्यता 8000 साल पुरानी है। इस लिहाज से सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी पुरानी सभ्यता है। बता दें कि मिस्र की सभ्यता में 7000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक रहने के सबूत मिलते हैं। वहीं मेसोपोटामिया सभ्यता 6500 ईसा पूर्व से 3100 ईसा पूर्व तक की सभ्यता मानी जाती है। एक जानी मानी प्रतिष्ठित रिसर्च मैगजीन नेचर में ऐसा खुलासा हुआ है जिसने सारी दुनिया का सिर चकरा दिया। शोधकर्ता ने हड़प्पा सभ्यता से 10000 वर्ष पूर्व की सभ्यता के प्रमाण भी खोज निकाले हैं। दिसंबर 2014 में भीरडाना को सिंधु सभ्यता का अब तक का खोजा गया सबसे प्राचीन नगर माना गया है। एक रिसर्च में यहाँ तक कहा गया है कि ये सभ्यता तब विद्यमान थी जब भगवान श्री राम अर्थात 5114 ईसा पूर्व का काल था और श्री कृष्ण के काल यानी 3228 ईसा पूर्व में इसका पतन होना शुरू हो गया था। सिंधु सभ्यता का अंत कैसे हुआ? वैज्ञानिकों ने सिंधु सभ्यता की खोज के अलावा इसके विलुप्त होने या नष्ट होने के बारे में भी पता लगाया है। उनका कहना है कि उस वक्त इस सभ्यता को कई पर्यावरणीय स्थितियों का सामना करना पड़ा था। कमजोर मॉनसून और प्राकृतिक परिस्थितियों में बदलाव के चलते धीरे धीरे इस सभ्यता का अस्तित्व मिट गया। वहीं कुछ लोगों का मत है कि जैसे कि सिंधु नदी भयंकर बाढ़ के लिए जानी जाती है और ये सभ्यता इसी नदी के किनारे बसी थी, ऐसे में हो सकता है कि बाढ़ के कारण इसका अंत हो गया हो। मगर कुछ विद्वानों का मत है कि केवल बाढ़ इतनी बड़ी सभ्यता को नष्ट नहीं कर सकती है। ओशियानोग्राफिक इंस्टीट्यूशन के शोधकर्ता इसे वर्तमान समस्याओं से जोड़कर भी देख रहे हैं। आखिर कैसे क्लाइमेट चेंज के चलते शहरों से लोग दूसरी जगहों पर पलायन कर रहे हैं? बताते हैं कि सर्दियों में सिंधु सभ्यता वाले इलाकों में मानसून काफ़ी तेज होता था, जबकि गर्मी के दिनों में वहाँ काफ़ी सूखा पड़ता था। इस तरह 1800 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी में खेती करना मुश्किल होता जा रहा था। मौसम परिवर्तन के चलते जमीन सूखने लगी और उपजाऊ भूमि रेगिस्तान में तब्दील हो गई। मौसमी बारिश भी कम हो गई थी। इसके कई सबूत भी मिलते हैं, क्योंकि खुदाई के वक्त मोहनजोदाड़ो सभ्यता के खंडहर बालू की सतह के नीचे मिले हैं। विद्वानों की माने तो बालू की वजह से जमीन की सतह ऊंची उठती गई और यहाँ के निवासी ऊंचाई पर मकान बनाने को मजबूर थे। लेकिन वहाँ भी धीरे धीरे पानी की आपूर्ति खत्म होने लगी।
एक ऐसा भी समय आया जब सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के पास पलायन के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। यहाँ के निवासियों को मजबूरन अपने नगरों को छोड़कर पलायन करना पड़ा। कुछ विचारों का मत है कि महामारी और वनों की कटाई के अलावा आर्थिक और राजनीतिक बदलाव की वजह से ही इस सभ्यता के लोगों की रोजी रोटी और कृषि पर बुरा प्रभाव पड़ा। इस तरह एक विकसित सभ्यता हमेशा के लिए गुमनाम हो गई। आपको बता दें कि सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है और ये आधुनिक कांस्य युग के दौरान पनपी थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिम में 5300 साल से 3300 साल पहले तक इस सभ्यता का अस्तित्व रहा। प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ साथ 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक ये सभ्यता अपने चरम पर थी। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत में इसका विस्तार था। अपने चरम पर इस सभ्यता की आबादी करीब 50 लाख से अधिक थी और उस समय ये दुनिया की आबादी में 10% की हिस्सेदारी रखती थी। कैसी थी सिंधु घाटी सभ्यता? बताते हैं कि आधुनिक नगर नियोजन की प्रणाली इसी सभ्यता से मिली है। ये सभ्यता त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली हुई थी और इसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो शहरों की बनावट बहुत नियोजित तरीके से की गई थी। यहाँ नगरों की सड़कों और घर काफी प्लानिंग के साथ बनाए गए थे। मकान बनाने के लिए पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर खुलने की बजाय पीछे की ओर खुलती थी। हालांकि लोथल में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। हड़प्पा की सबसे बड़ी खासियत यहाँ की जल निकासी प्रणाली थी। सड़कें और गलियों को ग्रिड पद्धति से तैयार किया गया था। सड़कें सीधी होती थीं और एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। उस समय कुएं के जरिए सभी घरों में पानी की आपूर्ति की जाती थी और गंदे पानी के लिए भी पूरी व्यवस्था थी। गंदे पानी के लिए ढके हुए नाले बनाए गए थे। यहाँ तक ये भी कहा जाता है कि दुनिया ने पहला आधुनिक शौचालय यहीं देखा था। शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इस सभ्यता को दुनिया की पहली साफ सफाई और स्वच्छता से जुड़ी प्रणाली माना जाता है। एक रिपोर्ट से पता चलता है कि मोहनजोदाड़ो में एक विशाल स्नानागार भी होता था, जो कि 29 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा था। हो सकता है इसका इस्तेमाल अनुष्ठानिक स्थान के लिए किया जाता होगा। यही नहीं, बाढ़ और हमले से सुरक्षा के लिए नगरों के चारों ओर ऊंची और सुरक्षित दीवारें बनाई गई थी। इस लिहाज से सिंधु घाटी सभ्यता किसी आधुनिक सभ्यता से कम नहीं थी। सिंधु सभ्यता का आर्थिक जीवन कृषि, पशुपालन, व्यापार और उद्योग पर आधारित था। जहाँ के निवासियों का मुख्य पेशा खेती और इसके साथ पशुपालन करना था। शहरों में नगर निकाय भवन, बाजार, अनाज गृह और भंडार गृह सभी की उचित व्यवस्था की गई थी। यहाँ मुख्य रूप से गेहूं और जौ की खेती होती थी, लेकिन कुछ अवशेषों से पता चलता है कि सैंधव यानी सिंधु सभ्यता के निवासी कपास की खेती भी करते थे। सिंधु सभ्यता के सामाजिक जीवन की अगर बात करें तो यहाँ का परिवार मात्र सत्तामक हुआ करता था। इस बात का अनुमान खुदाई के वक्त यहाँ मिली अनेक नारी मूर्तियाँ हैं। यहाँ मिले छोटे और बड़े घरों से पता चलता है कि इन सभ्यता के लोगों के बीच भेदभाव जैसी कोई भावना नहीं थी। यहाँ अमीर और गरीब में कोई अंतर नहीं था। मनोरंजन के लिए यहाँ के सैंधव निवासी शिकार करना, डांस, गाना बजाना और जुआ खेलना जैसे कार्य किया करते थे। पासा इस युग का मुख्य खेल माना जाता है। सैंधववासी मातृ देवी की पूजा करते थे और साथ ही देवताओं की उपासना भी करते थे। बताते हैं कि इस काल में पशु पूजन और पेड़ों की पूजा भी की जाती थी। हिंदू धार्मिक स्वास्थ्य चिन्ह भी हड़प्पा सभ्यता की ही देन माना जाता है। खुदाई के दौरान मिली मुख्य चीजें, आपको बता दें कि खुदाई में यहाँ से 1398 मोहरे भी प्राप्त हुई हैं और ये कुल लेखन सामग्री का 56.67% हिस्सा है। मोहनजोदाड़ो की एक मुद्रा पर ऐसी आकृति देखने को मिलती है जिसका आधा हिस्सा मानव का है और आधा बाघ का है। पत्थर की बनी मूर्तियों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण शैलखंडी से बना 19 सेंटीमीटर लंबा पुरोहित का धड़ है। इसके अलावा 14 सेंटीमीटर का चूना पत्थर से बना एक पुरुष का सिर भी मिला है। आपको बता दें कि सिंधु सभ्यता की लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इस लिपि में 700 चिन्ह अक्षर होते थे और इनमें से अब तक 400 के बारे में जानकारी प्राप्त हो चुकी है। अब तो आप जान ही गए होंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के नष्ट होने की असली वजह क्या थी। भीषण जलवायु परिवर्तन की वजह से कैसे एक हस्ती खेलती सभ्यता का अंत हो गया। अगर आप इतिहास के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।